हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और गाइस मैं भी अच्छी हूँ। आज है तीज, तो हैप्पी तीज टू ऑल। हाँ रुको, तो गाइस अभी बज रहे शाम के 4:30 हो चुके हैं और हम जाने वाले श्यामगिरी मंदिर, क्योंकि वहाँ पे जो है सभी जाते हैं, जैसे सभी डेढ़ होकर जो है वो मंदिर है डेढ़ इंच का, तो वहीं पे जा रहे हैं आज हम भी। और गाइस हम आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मतलब हम गए ही नहीं है जब से शादी हुई है वहाँ पे। सिर्फ वीडियो सुनाई है कि बहुत अच्छे से जो है सभी आते हैं वहाँ पे और तीज मनाते हैं। आपको दिखाऊंगी। तो गाइज आज भी हम भी आज जा रहे हैं, और यही है कि फिर वहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो गाइज खाना हमने बना दिया है, जैसे कि आज पकवान बनते हैं, तीज है। ये बोल रही है कि मुझे भी दिखाओ। गाइज पहले आप इसको देख लो, क्या हुआ? तो ये रेडी हो चुके हैं। मारना नहीं है भाई को। तो गाइज यही है कि वहाँ पे टाइम लग जाता है, इस वजह से जो है मैंने पकवान, जैसे आज ब्रेड और कचौड़ी बनाई थी तो वो बना दिए है, क्योंकि वहाँ पे टाइम लग जाएगा तो मैंने सोचा कि बना के ही चलते हैं, फिर आके जो है काम करने का मन नहीं करता। तो गाइज यही है कि बच्चे रेडी हो चुके हैं और मैं भी हो गई हूँ, तो रूबी बस रेडी हो रही है ऊपर, वो आ जाए तो उसके बाद हम चलते हैं और बस चलते हैं गाइज। और गाइज आज ना मेरा मतलब कई दिनों बाद व्लॉग आएगा, बस ऐसे थोड़ा बन ही नहीं रहे थे मेरे व्लॉग, तो डले भी नहीं थे, लेकिन ये फाइनली आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है तो मैं इसको डालूंगी। और गाइज कमेंट करके बताना कि कौन कौन तीज खेलने जा रहा है और कौन कौन घर में ही रहेगा, तो ये कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज यहाँ पे मैंने बना दी है कचौड़ी, पकौड़ी और ब्रेड बनाए थे, जैसे कि आज तीज है तो ये मैंने आज जल्दी बना दिए थे। मैंने आपको बताया ये कि हम मंदिर जा रहे हैं, तो इस वजह से ये सारा खाना मैंने पहले ही बना दिया था। और गाइज अभी हम निकल चुके हैं श्यामगिरी मंदिर के लिए, तो हम जा रहे हैं मैं, मम्मी, रूबी और बच्चे तो जाते ही है, खैर हमारे साथ भाई और गाइज परी के पापा थे। पहले भाई साहब जाते लेकिन गाइज उनको अर्जेंट में जो ड्यूटी से फ़ोन आ गया और वो वहाँ पर चले गए, तो फिर यही है कि यही आए हमारे साथ जैसे हमेशा आते हैं। तो गाइज अभी हम मंदिर पहुँच चुके हैं और गाइज बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब हम तो फर्स्ट टाइम गए थे गाइज, और डीजे लग रहा था यहाँ पे, तो यही है कि सब ने खूब डांस किया और सब ने बहुत इंजॉय किया गाइज। तो यही है कि यहाँ पे हम जो है काफ़ी देर रुके थे, अच्छे से जो है डांस वांस किया और जो तीज खेलते वो भी, लेकिन यही है गाइज वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है साउंड जो चल रहा था तो उसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन जो है तीज खेलने श्यामगिरी मंदिर आए थे, मतलब जो मेरे व्लॉग देखते हैं, सबकी तो क्या ही बताएंगे, लेकिन गाइज जो मेरे व्लॉग देखते हो सकता है इनमें से कोई मिल जाए जो मेरे व्लॉग देखता हो, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन श्यामगिरी मंदिर आए थे। और गाइज गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी उस दिन, क्योंकि बारिश हो गई थी सुबह के टाइम, तो उसकी वजह से जो और ज़्यादा गर्मी हो गई थी और कुछ वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी, तो गाइज उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और ऊपर से हमने डांस किया खूब दब के, तो गाइज आप देख ही सकते हो कि पसीने जो है उनमें हालत ख़राब हो रही है, तो बस ये, लेकिन यही है गाइज हमें तो डांस करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस हमने तो खूब डांस किया, गर्मी वर्मी हो चाहे कुछ भी हो, मस्त अपना डांस वांस कर। और गाइज परी ने वहाँ पे तो डांस किया नहीं था, मतलब है तो अभी हम मंदिर में ही ये जगह है, लेकिन गाइज यही है कि वहाँ पे इसने डांस नहीं किया था क्योंकि इसके पापा जो इनको लेके अलग खड़े हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो गाइज इसको देख लो, अभी मैं इसको लेके आ गई हूँ वहाँ से, जैसे मम्मी पाव भाजी लेने गई है और इन सब के लिए आइसक्रीम, क्योंकि गाइज भूख भी लगने लग गई थी वहाँ पे, घर पर बना के तो चले गए थे लेकिन खाया नहीं था, फिर बच्चे बोलने लगे कि हम पाव भाजी खाएँगे, आइसक्रीम खाएँगे, तो मम्मी वो ले रही है। और गाइज आप देख लो परी का डांस, ये आ नहीं रही थी, हमने इसे खूब बुलाया लेकिन ये आने का नाम नहीं ले रही थी, बोली थी मैं डांस करूँगी, आपने तो बहुत कर लिया। तो गाइज ये पाव भाजी खाने के बाद, लेकिन गाइज गर्मी में हालत ख़राब हो रही थी, बस ऐसे लग रहा था पानी पानी पीते जाओ, तो पाव भाजी खा के और फिर आइसक्रीम खाने के बाद हम आए थे घर। और गाइज आज 22 अगस्त
तो अभी बज रहे शाम के 5 और यही है कि आज गाइज मैं ना खाना बनाने के लिए जल्दी लग गई। सब्जी तो बन चुकी है, कढ़ाई पनीर बनाई है मम्मी ने और मैंने बनाई है गाइज आलू गोभी। तो आटा लगा दिया है और यही है कि बस अभी बनेंगी पूरी, क्योंकि आज जा रहे हैं रूबी, दीपक भाई साहब, दोनों बच्चे और मम्मी पापा जी। और गाइज मतलब दोनों बुआ जी ज़्यादातर सारे से ही जा रहे हैं आज वैष्णो देवी। तो ओ बेटे, हाँ अभी दिखा रही हूँ। तो गाइज जब ये जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन जा रहे हैं। तो ये निकलेंगे 7:30 बजे और 5 बज चुके हैं। तो सब्जी मैंने बना दी थी इसलिए फटाफट से। हाँ क्या हुआ, खोलो। हाँ बना रही हूँ। तो और गाइज हम यहीं पे हैं, अभी नहीं जा रहे, हम बाद में देखेंगे जब मैं ये बुलाएगी मतलब। तो जब जाएंगे अब तो लोग पकड़ो, जब हम भी तो जाएंगे वैष्णो देवी। अच्छा हाँ देख, ये फ्रूटी लेकर आया है गाइज, और ये लेकर आई है कोल्ड ड्रिंक, और ये भी फ्रूटी लेकर आया है। तो गाइज बस अब चुप रहो छोटे, चुप रहो आप छोटे। तो गाइज यही है कि हाँ गाने गाते हो अब। मैं, हर्षू, परी और परी के पापा और विपिन भाई साहब हम यहीं पे रहेंगे। और गाइज परी भी बोली थी मैं भी जाऊँगी, हम मैंने बोल दिया इससे कि हम करेंगे पिज्जा पार्टी। तो ये खुश हो गए, ठीक है मम्मा हम पिज्जा पार्टी करेंगे यहीं पे रहेंगे। तो अभी देखते हैं जब ये निकलेंगे यहाँ से ये रोती है या नहीं। गाइज एक बार तो रात में रोने लगी थी जब रूबी कपड़े पैक कर रही थी आरब और छुटकू के अपने, तो देख के ना उनको रोने लगी कि मेरे भी कपड़े रखवाओ, मैं भी जाऊँगी। फिर मैंने इससे बोला कि इनको जाने दो, हम तो जो है रोज चीज ही खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, और मतलब ऐसे मैंने इसको सब चीज़ बोल दिया। तो उसके बाद ये चुप हुई है। तो गाइस देखते हैं जब ये निकलेंगे यहाँ से इसका क्या रिएक्ट होता है। हंसा ये तो बहुत टाइट है बेटा। रूबी मम्मा बहन यहाँ खोल दियो, कैस हो रही हो मेरे एक हंसा खुल लो रही, खुलवा ले जा रूबी मम्मा खुलवा ले। अरे बेटा मेरे एक हाथ से खुल नहीं रही, मैंने फोन पकड़ रखा है ना। तो गाइज अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। बुआ जी हमारी आ चुकी है दोनों, वो उधर ही छोटी मम्मी के यहाँ पे है अभी, और दीदी भी दोनों आ गई है। हाँ आ गई बुआ जी, मैं बोल तो रही हूँ आ गई। तो गाइज ये आ चुके हैं, बस यही है कि अब तो निकलेंगे बस 2-2.5 घंटे में, तो उसी का इंतजार है। और गाइज सब ना बहुत खुश हो रहे हैं, कैसा लग रहा है कि जा रही है बहुत अच्छा। मैं चली एक बार बेटा रुका, हर चीज ना पिया। गाइज मैं ना एक बार चली गई थी जब शादी हुई थी, तो उसके कुछ दिन बाद ही मैं और परी के पापा गए थे दोनों। दोनों गए थे गाइज जब हम, तो यही है कि अब ये जा रही है, जब से गई नहीं है उसकी शादी हुई है जब के बाद से जैसे, तो अब ये जा रहे हैं, देखते हैं हमको मैं ये कब बुलाती है, तो हम भी फिर जाएंगे। तो गाइज बने रहिए आप देखते रहिए, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। और गाइज ये देखो रूबी हो चुकी है रेडी, ला रहे हैं मम्मी, चल चाय है हमें चाय बनाइए। तो गाइज ये चल रहे हैं। और गाइज ये हो रही है परी की पिज्जा पार्टी, वो सब चले गए हैं गाइज, वीडियो शूट नहीं हो पाई। तो ये रोने लग गई थी नीचे ही, क्योंकि जब से ते नहीं रो रही थी, ये लेकिन यही है कि सब जा रहे थे जब गाड़ी में बैठ गए, तो गाइज फिर ये रोने लग गई। तो अब भी इसके लिए पापा दिला के लेकर आए इसको पिज्जा, घाल रही बेटा, घाल रही घाल रही हूँ। होगी पिज्जा पार्टी अब है, अब आरब भाई देखेगा बोलेगा ये तो पिज्जा पार्टी कर रहे हैं। जल्दी हाँ हो रही है इनकी तो पिज्जा पार्टी भाई, खा लो।